दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन व्हाई बॉलीवुड कैन नेवर मेक कांतारा लाइक फिल्म। सो दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सो लेट्स सी क्यों नहीं बना सकते हैं। सो दैट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं देन जल सब्सक्राइब कर लो, टू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जिसे देखने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, जो कि एक ऐसी भाषा में बनी है जिसे भारत का केवल एक प्रांत बोलता है, परंतु अन्य भाषाओं में डबिंग रिलीज भी लोगों को थिएटर में आने पर विवश कर रही है, जिसका हिंदी डब्ड संस्करण हिंदी फिल्मों से अधिक कमा रहा है। नाम है कांतारा। क्या है इस फिल्म में ऐसा और क्यों बॉलीवुड ऐसी फिल्म नहीं बना पा रहा है, देखेंगे। 30 सितंबर 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था कांतारा। फिल्म का बजट फिल्म मेकर 16 करोड़ रुपए बता रहे हैं। प्रारंभ में कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में यह फिल्म रिलीज हुई थी। केवल कर्नाटका की बात करते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी फिल्म कैसे हिट होती है। पहले दिन कर्नाटका में फिल्म ने केवल 3.5 करोड़ रुपए कमाए। वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, पहले वीकेंड पर 19 करोड़ तक कमाई पहुंच गई। पहले सोमवार को 4 करोड़ कमाए। फिल्म रिलीज के छठे दिन लगभग 9 करोड़ तक ये कमाई पहुंच गई, यानी वीकेंड पर जितना कमा रही थी उससे डबल कमाने लगी, वो भी एक वर्किंग डे पर। पहले वीक में लगभग 38 करोड़ से 45 करोड़ तक का मामला सेट हो चुका था। फिल्म रिलीज के 11वें दिन यानी सेकंड मंडे को 4.5 करोड़ की कमाई हुई, जो कि कन्नड़ा फिल्म इतिहास में एक रिकॉर्ड बन चुका है। दो हफ्ते में फिल्म कर्नाटका में 70 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 72 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी थी एक धीमे आरंभ के बाद। फिल्म केवल कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के लिए बनी थी, तो बाकी भाषाओं में 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई है। अब हिंदी का मामला देखते हैं। पहले दिन 1.27 करोड़, दूसरे दिन 2.35 करोड़ और वीकेंड तक 8 करोड़ का कलेक्शन। एक ऐसी फिल्म जो कि हिंदी में बनी भी नहीं है, केवल डब की गई है, कितना बड़ा अमाउंट है इसका अनुमान लगाते हैं अब जरा। दोबारा फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई थी, तापसी पन्नू उसमें मेन लीड में थी, हिंदी फिल्म थी और पहले दिन 72 लाख कमाए उसने केवल, और वीकेंड तक लगभग 3 करोड़ और लाइफ टाइम कमाई हुई लगभग 5 करोड़। अब तुलना कीजिए एक डब्ड फिल्म जो पहले 3 दिनों में 8 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है हिंदी में, और दोबारा ही नहीं किसी और फिल्म के साथ भी आप तुलना कर सकते हैं। परंतु दोबारा के निर्देशक का उत्तर सुनिए कि लोग उनकी फिल्में क्यों नहीं देख रहे हैं। खुद देख लीजिए कहां जीएसटी ले आए। कांतारा अब तक 140 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है, एक छोटे बजट की फिल्म होकर। परंतु क्या है फिल्म में ऐसा जो लोग लाइन लगा कर देख रहे हैं, और क्या केवल कांतारा एकमात्र ऐसा उदाहरण है, वो आगे देखते हैं। कांतारा क्यों हिट हो रही है, समझने के लिए थोड़ा स्टोरी को समझना पड़ेगा। बहुत ही संक्षेप में आपको स्टोरी बताऊंगा। कांतारा का अर्थ होता है दैवीय जंगल। फिल्म में दिखाया कि एक गांव है जिसके दो देवता हैं, पंजुरली जो कि सुख समृद्धि देते हैं, और दूसरे हैं गुलिगा जो कि रौद्र रूप में होते हैं और दंड देते हैं। एक राजा देवता को अपने घर ले आता है अपनी शांति के लिए, और बदले में अपनी जमीन गांव वालों को दे देता है। शर्त होती है कि अगर राजा या उसके वंशजों ने जमीन वापिस ली तो उनका नाश हो जाएगा। मॉडर्न टाइम में राजा का वंशज जमीन हथियाने की सोचता है, और इस बीच में पंजुरली और गुलिगा नाम के देव अपना अपना कार्य करते हैं। फिल्म में पंजुरली देव की महत्ता को अनेक बार दिखाया गया है, और अंत में गुलिगा देव का रौद्र रूप रोंगटे खड़े कर देता है। ये संक्षेप में स्टोरी है। फिल्म पूरी तरीके से लोकल कल्चर में रूटेड है। कंबाला नाम की जो एक भैंस दौड़ कर्नाटका में ग्रामीण खेलों के रूप में होती है उसे भी दिखाया गया है। फिल्म क्रिटिकली बेहद अच्छी है। टाइम्स ऑफ इंडिया 5 स्टार दे चुका है। IMDb पर 9.4 की रेटिंग इसकी अभी भी है, और विश्व में सबसे अधिक रेटेड फिल्मों में से एक है। साइलेंस ऑफ स्वास्तिक की रेटिंग 9.7 है। लगे हाथों अपनी डॉक्यूमेंट्री का भी प्रचार कर लेना चाहिए। परंतु कांतारा की सक्सेस क्रिटिकली फिल्म कैसी है उससे आगे की है। फिल्म इतनी रूटेड है कि लोग फिल्म में स्वयं को देखते हैं। गांव देवता पूरे भारत में सब क्षेत्रों में है, और गांव के लोग उन्हें बेहद पूछते हैं उत्तर हो या दक्षिण, तो फिल्म में ग्राम देवता के रूप से सब रिलेटेड फील करते हैं, मेकअप से लेकर डायलॉग तक, और यही फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। अंत में रोंगटे खड़े करने वाला अभिनय वो अलग है।
अब इसका कंपैरिजन हिंदी में बन रही फिल्मों से कीजिए। जोया अख्तर ला रही है आर्चीज, जो लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस समय, क्या ऐसे लोग आपने भारत में कभी देखे हैं? वो भी 1960 के दशक में, यदि हैं भी तो उंगलियों पर गिनने लायक ही होंगे। कौन व्यक्ति इनसे रिलेट कर सकता है भारत के भीतर? मजे लेने के लिए सही हैं ये फिल्में, परंतु मजे वो आप घर में भी ले सकता है। सबके पास OTT आ चुका है, 1500 रुपए खर्च करके कौन मजे लेगा? परंतु कांतारा जैसी फिल्म हिंदी में बनना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फिल्म बनाने से पहले स्टोरी सोचनी होती है, और स्टोरी सोचने वाले या लिखने वाले लोगों को बॉलीवुड वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, उन्हें धुतकारा जा रहा है, ऐसा बॉलीवुड के इनसाइडर्स बता रहे हैं। बड़े बड़े अपनी स्वयं की लाइफ करण जौहर, फरहान अख्तर और जोया अख्तर की कैसी है वो आपको पता ही होगी। तो कांतारा की जगह उन्हें मियामी के बिकनी बीच दिखते हैं। फिल्म की स्टोरी में जगह भी ना हो तो भी वो गे लेस्बियन वो घुसा देते हैं। भाई इट्स ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो सबका अपना अलग अलग होता है, किसी को किसी का नहीं जानना है, स्टोरी पे काम कर लो। परंतु क्या अंतर है बॉलीवुड और अन्य फिल्म के कलाकारों में, वो आगे देखते हैं। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए है, परंतु इस वर्ष एक पैटर्न रहा है हिट फिल्मों में। कार्तिकेय 2, कांतारा, कश्मीर फाइल्स, RRR, जितनी भी बड़ी हिट फिल्में रही हैं वो रूटेड फिल्में रही हैं। परंतु ये रूटेड फिल्में बनी कैसे? क्योंकि बनाने वाले हैं राजमौली और कांतारा के निर्देशक, जो उनके मैं आपको बयान सुनाता हूँ। इन लोगों ने ये फिल्में बनाई हैं। ஏன்னா அது ஒரு இந்துத்துவ கடவுளா மாறிடுமோ, கேட்டிருப்பாங்களோ, ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். இல்லை, வந்து அந்த தெய்வம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ட்ரெடிஷன் தானே. டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு ஹிந்து கல்ச்சர் தான், ஹிந்து கல்ச்சர் தான், ஹிந்து ரிச்சுவல் தானே. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. என்னென்னா நாங்கள் வந்து நான் ஒரு ஹிந்துவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு என்னுடைய தர்மத்துக்கு மேலே நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்குது, கௌரவம் எல்லாமே இருக்குது. அப்படி என்ன வேற ஒரு வந்து தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஐ திங்க் ஹிந்துயிசம் இஸ் அ ரிலிஜியன், இட் இஸ் இன் தி பிரசன்ட் கான்டெக்ஸ்ட், பட் பிஃபோர் ஹிந்துயிசம் தி ரிலிஜியன் தேர் இஸ் எக்ஸிஸ்டட், தேர் எக்ஸிஸ்டட் ஹிந்துயிசம் தி தர்மா, ஹவ் டு ஐ சே இட், இட் இஸ் அ வே ஆஃப் லைஃப், இட் இஸ் அ ஃபிலோசஃபி. ஸோ இஃப் யூ டேக் தி ரிலிஜியன் ஐ அம் ஆல்சோ நாட் அ ஹிந்து, ஸோ இஃப் யூ டேக் தி தர்மா इनकी फिल्म हिंदुत्व के बारे में नहीं है, परंतु जो एक बेसिक समझ और एक जीवन जो उन्होंने जिया है, उनके पूर्वजों ने जिया है, उस पर इन दोनों को कुछ गौरव है, तो वो उसे ओपनली मान भी रहे हैं। पर अब आप स्वयं को मजबूरी में भारतीय कहें और आपका जीवन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से संबंधित दिखे तो धरती से जुड़ी कहानी भाई कहाँ से लाओगे? यही कारण है कि कांतारा बॉलीवुड में नहीं बन पाती, और बनती है ब्रह्मास्त्र, जिसकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है। एक चौल में रहने वाला लौंडा अपने घर में कॉफी मशीन रखे तो आगे क्या बोले। बॉलीवुड ने गैंग्स ऑफ वासेपुर दी थी, वो एक कल्ट फिल्म बनी, और ये आगे का खेल समझने के लिए पर्याप्त है कि लोगों के पास पैसा है, समय नहीं है, घर पे देख लेंगे, बकवास चीजें वो, थिएटर में लाने के लिए उन्हें कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? और दोस्तों, दिस इज द रिएक्शन ऑन व्हाई बॉलीवुड कांट मेक ए फिल्म लाइक कांतारा, एंड रियली दिस इज अमेजिंग वीडियो, एंड उन्होंने जो भी बोला पूरा सही था, एंड आई थिंक कांतारा इज वन ऑफ द यूनिक मूवी आई हैव एवर सीन, बिकॉज दैट विल गिव ए डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब एंड सिनेमेटोग्राफी, एंड ऋषभ सेठी सर द वे ही हैज डायरेक्टेड दैट फिल्म, एंड स्पेशली उनका एक्टिंग आपको पूरा गूज़बम्प्स दे देगा, एंड आपको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, स्टिल यू विल एंजॉय लॉर्ड गाइस, जिस तरह से दिखाया गया है ना वो आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा। द सिनेमेटोग्राफी, द BGM एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, एंड जिस तरह से गॉड का जो अवतार लेते हैं, जो मेकअप था, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, एंड दैट्स वाई बॉलीवुड नेवर गोइंग टू मेक सच टाइप ऑफ मूवी, बिकॉज बजट जितना भी हो लेकिन स्क्रिप्ट सिलेक्शन ना बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए, एंड कांतारा एक एग्जाम्पल है सब फिल्म डायरेक्टर के लिए कि ऐसा मूवी आई थिंक Nobody can make, and Kannada film industry heads up to you guys. In Kannada film industry, एक के बाद एक amazing movie ला रहे हैं guys, and really इतना impressive type का movie लाते हैं ना, and Rishabh Sethi sir, the way he wrote this story, acting खुद कर रहे हैं, direct भी कर रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा पूरा, मतलब मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं वो, एंड द वे ही रिप्रेजेंटेड दिस मूवी, ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड ये वीडियो में आपको जो भी सुनने को मिलेगा दैट्स डैम ट्रू गाइस। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं देन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड चैनल नए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फिर मुलाकात होगी अगर ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।